विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में 51 ब्राह्मणों द्वारा गोविंदा के स्वास्थ्य ठीक होने के लिए महामृत्युंजय का पाठ चल रहा है। पाठ से क्या लाभ होता है, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। भगवान महाकाल के दरबार में आज जैसे ही मालूम पड़ा कि गोविंदा ने गोली साफ करते हुए अपने हाथ से लग गई उनको, ऐसा उनकी बच्ची ने बताया, तो हम बड़े असमंज में से और बड़ी विचित्र मतलब ये थी, तो हमने उनके लिए महामृत्युंजय जाप यहाँ महाकालेश्वर मंदिर में बिठाया और भगवान महाकालेश्वर से कामना कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाए। टीना हमारे लाइन पे ही है और भगवान महाकालेश्वर टीना उनकी बच्ची है, वो बहुत चिंतित है, उनसे बात हुई मेरी, उन्हें पंडित जी किसी प्रकार से गोविंदा जी को प्रार्थना करो और आज स्वस्थ हो जाए जल्दी जल्दी, और महाकालेश्वर दरबार में आज प्रार्थना करती है। भगवान महामृत्युंजय का जाप चल रहा है और महाकालेश्वर के दरबार में निश्चित रूप से, ये मेरा मानना है, हमारे गोविंदा 1986 से हमारे उनका आने जाना है और महाकालेश्वर के दर्शन भी करते हैं, महाकाल के बड़े भक्त हैं, इसलिए हमारी ये भावना है कि वो स्वस्थ हो जाए। गोविंदा के लिए विशेष प्रेम है हमारा, कीर्ति कुमार हमारे मित्र है, उनके बड़े भाई, भगवान महाकालेश्वर उनकी रक्षा करेगा और महाकालेश्वर के दरबार में उनकी जो हाजिरी लग रही है उससे निश्चित रूप से उनके शरीर की रक्षा होगी, आत्मरक्षा होगी और सब प्रकार से मनोकामना पूरी होगी, उनकी पूरी स्वस्थ हो जाएंगे। इस मंत्र से महामृत्युंजय जाप हो रहा है और 51 ब्राह्मण बैठ के जाप कर रहे हैं। भगवान महाकालेश्वर उनको सदा प्रसन्न रखे और स्वस्थ रखे, स्वस्थ हो जाए जल्दी जल्दी, और फिर महाकालेश्वर में आएंगे वो दर्शन करने।